ठीक है बेटा, देखो अब देखेंगे हम लोग, रॉड इज रोटेटिंग, इन मैग्नेटिक फील्ड हम क्या कर रहे हैं, रॉड को रोटेट करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है? यस सर। अगर रॉड ट्रांसलेट करेगी तो क्या हमने उसका ईएमएफ पढ़ लिया, कितना होगा? अगर रॉड ट्रांसलेट करती है तो क्या ईएमएफ बी एल वी होता है? यस सर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉड को रोटेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। एक मेरे पास ये फ्रेम है, रिंग दिख रही? यस सर। और एक रॉड है जो कि इस रिंग की रेडियस है क्या? यस सर। ठीक है, रोटेट करवा दिया मैंने ओमेगा स्पीड से, तो जो ये रॉड है क्या इस रॉड पे छोटा सा एलिमेंट ले सकता हूँ ऐसा? यस सर। आर डिस्टेंस पे और इस जो एलिमेंट लिया उसके साइज मैंने क्या लिया, डी आर, और स्पीड वी, तो क्या मैं वी को आर ओमेगा कह सकता हूँ? यस सर। ठीक है, तो जो हमारा एलिमेंट है उसमें ईएमएफ है डी ई, जिसका फॉर्मूला होगा बी एल वी, ये लॉजिकल लगा? यस सर। बी एल वी में एल हमारा लेंथ ऑफ एलिमेंट है, क्या इस वी को आर ओमेगा कह सकते हैं? यस सर। अब मैं चाहता हूं इसको इंटीग्रेट करना, तो जो हमारा एलिमेंट है क्या वो सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक जाएगा? यस सर। ठीक है, इसका नाम है पॉइंट ए से सी तक ले जा रहा हूं क्या? यस सर। तो ईएमएफ अक्रॉस एसी अगर मैं निकालूंगा तो क्या बी और ओमेगा कांस्टेंट है? यस सर। आर की पावर वन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाय टू? यस सर। मैंने लिमिट भी अप्लाई कर दी है, ठीक है? यस सर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा, हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है? यस यस। ध्यान रखना है जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नंबर ऑफ रॉड्स पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब अगर तुमने एक रॉड और लगा दी सपोज ऐसी, तो ईएमएफ डबल हो जाएगा या सेम रहेगा? सर सेम रहेगा, पर ये ऐसा होता क्यों है? ठीक है, वो भी देखते हैं ऐसा क्यों होता है। पहले ये बताओ ए और सी दिख रहे? यस सर। ठीक है, एनी आइडिया किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का या सी का? सी का आई गेस। बहुत बढ़िया, कैसे मालूम? क्योंकि वो सर्कमफेरेंस पे है। नहीं, उसको हम पता करेंगे लॉरेंज फोर्स से, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा हमने, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी? यस सर। तो जो हमारी रॉड है ये मेटेलिक है क्या? यस सर, कंडक्टर है। ठीक है, तो इस मेटल पे रॉड पे जो चार्जेस हैं क्या उन पे मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे कोई फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी? तो कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। सोचो आराम, सोचो, मैंने क्या बात बोली? तो फोर्स तो लगेगी पर क्या वो कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि वो रैंडम होंगे तो फिर अलग अलग डायरेक्शन। इस रॉड पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो एंड सी पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, एंड ए पर। मैं साइड में ड्रॉ करके दिखाता हूँ फिगर, ये एक रॉड है, क्या रॉड पे कोई वेलोसिटी है? यस सर। अगर इस रॉड पे कोई इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो क्या उन पे मोशन की वजह से लॉरेंज फोर्स लगेगा? अच्छा यस सर, लगेगा, अपवर्ड्स लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जाएगा। यस सर। तो जो पॉजिटिव चार्ज जाएगा ऊपर की तरफ क्या वो हायर पोटेंशियल क्रिएट कर देगा? यस सर। नीचे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो क्या क्रिएट करेगा? नेगेटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है?
यस सर। जैसे मैंने एसी रॉड के बारे में सोचा, वैसे तुम एडी के बारे में सोचो। एक एलिमेंट ले लिया मैंने एडी पर, तो एडी रॉड के सारे पॉजिटिव कहां पे जाएंगे, ए पे या डी पे? डी पर और सारे नेगेटिव ए पर। यस ठीक है, अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, ध्यान से देखना। मैंने लिखा रॉड बिहेव एज बैटरी, इसका क्या मतलब है? कि दो ऑपोजिट पोटेंशियल वो क्रिएट होगा, मतलब इसको ऐसा सोचो कि एक बैटरी मैंने ऐसे लगा रखी है और एक बैटरी हमने ऐसे लगा रखी है, सही है? यस सर। तो क्या बैटरी के कनेक्ट जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपस में कनेक्टेड है यस और नेगेटिव आपस में, तो क्या ये बैटरीज पैरेलल में हैं? यस सर, पैरेलल। अगर दो बैटरी को 10 वोल्ट की दो बैटरी को पैरेलल में लगा दूं तो नेट वोल्टेज 20 हो जाएगा या 10 रहेगा? ओ 10 ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ बैटरीज या नंबर ऑफ रॉड्स मैटर नहीं करती। ओके आई होप लॉजिकल लगा। यस सर, आगे समझ ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना?